Good evening, everyone. Welcome to HashLearn's GK capsule for the week from 4th of May to 10th of May. My name is Tariq Hassan. I'll be taking you through all the important events of the last 1 week, and we'll be discussing it based on questions. So I'll be presenting questions on the screen. आपके स्क्रीन में क्वेश्चंस आएगा तो और क्वेश्चंस के बेसिस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एक हफ्ते का जो भी जीके का एक समरी है वो आपको मिल जाएगा और आपको एक क्विज में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा अगर आप लाइव वीडियो देख रहे हो। तो जो क्वेश्चंस आएंगे स्क्रीन में वो एक नॉर्मल क्वेश्चन के फॉर्मेट में होंगे। एक क्वेश्चन होगा विद चार विद फोर आंसर ऑप्शंस, तो आप उन क्वेश्चंस का पार्टिसिपेट करिए और जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसका आंसर आप कॉमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। आपको ये पता चलेगा कि आपका आंसर सही है नहीं। अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है किसी क्वेश्चन में तो आप उसे नोट कर लीजिए और उसका जो आंसर है वो भी आप नोट कर सकते हैं एज योर प्रिपरेशन। तो ये वीकली जो एक्सरसाइज हम करते हैं हर सैटरडे को 7 o'clock, ये जीके का एक रिफ्रेशर क्लास होता है जहाँ पे उस वीक के जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जो हम बहुत ही केयरफुली सिलेक्ट करते हैं आपके लिए। स्पोर्ट्स हो गया, साइंस है, पॉलिटिक्स है, डिफेंस है, तो फ्रॉम वेरियस फील्ड्स वी सिलेक्ट ऑल द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो भी उस वीक में हुआ है और वो हम आपके साथ डिस्कस करते हैं जिससे आपके एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में काफ़ी फ़ायदा हो। और जो करंट अफेयर्स है वो एक कॉमन पार्ट है जितने भी एप्टीट्यूड एग्ज़ाम्स हैं गवर्नमेंट में, बैंकिंग हो गया, रेलवेज, इंश्योरेंस हो गया, डिफेंस एग्जामिनेशन हैं, तो सब में एक कॉमन चीज़ तो है कि वहाँ जीके होता है और जीके में एक सेक्शन करंट अफेयर्स को डेडिकेट होता ही होता है। तो चलते हैं, हम अब स्टार्ट करते हैं सीधे पहले क्वेश्चन से और देखते हैं कि वो क्वेश्चन क्या है और आपको इसकी जानकारी है या नहीं है। तो जो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है वो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। अब क्वेश्चन यहाँ ध्यान से पढ़िए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिप्लेस स्ट्रेटजी टारगेट्स टू एलिमिनेट ट्रांस फैट फ्रॉम इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस फूड बाय विच ईयर। तो यहाँ पे दो चीज़ हो रही है, एक तो आपको ये इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक स्ट्रैटेजी है जिसका नाम है रिप्लेस स्ट्रैटेजी। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, द रिप्लेस स्ट्रैटेजी ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज रिलेटेड टू व्हाट, और वहाँ पे चार ऑप्शन देंगे। वहाँ पे एक ऑप्शन होगा टू एलिमिनेट ट्रांस फैट फ्रॉम इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस फूड। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट दैट यू शुड नोट डाउन, दैट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज अ रिप्लेस स्ट्रैटेजी इन दैट डील्स विद एलिमिनेटिंग। एलिमिनेटिंग मतलब क्या हो गया, रिमूव करना, ट्रांस फैट। ट्रांस फैट जो एक प्रकार का फैट है, जैसे बहुत सारे फैट्स होते हैं, आपको सैचुरेटेड फैट्स होते हैं, अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं, उसी तरह से एक फैट होता है ट्रांस फैट जो कि काफ़ी हार्मफुल होता है ह्यूमन कंजम्पशन के लिए एंड लीड्स टू अ लॉट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेस, पर्टिकुलरली कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज जो होते हैं उनसे रिलेटेड है ये ट्रांस फैट। तो वर्ल्ड ओवर ये कोशिश की जा रही है कि इसे रिमूव किया जाए। आज अब जब भी आप जाके आप एक लेज का चिप्स का पैकेट लोगे तो वहाँ देखोगे वहाँ लिखा रहेगा जीरो ट्रांस फैट। दे आर ट्राइंग टू कन्वे टू द कंज्यूमर दैट इसमें हमारे प्रोडक्ट में ट्रांस फैट नहीं है। एनी हाउ कमिंग टू द क्वेश्चन हियर, द रिप्लेस स्ट्रैटेजी ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विच एम्स टू टारगेट्स टू एलिमिनेट ट्रांस फैट इज सपोज टू बी अचीव्ड बाय विच ईयर। ये ऑब्जेक्टिव कब, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट ईयर क्या है, सही आंसर यहाँ पे है 2023। सो बाई 2023 वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एम्स टू एलिमिनेट दिस कॉन्सेप्ट और दिस प्रॉब्लम ऑफ ट्रांस फैट फ्रॉम प्रोड्यूस्ड इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस्ड फूड, ठीक है। और जैसे हम हर क्वेश्चन में करते हैं और हर वीक करते हैं कि जब भी कुछ एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होता है तो वहाँ पे हम उसके साथ में उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा सा और कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हैं। तो यहाँ पे जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है इसके बारे में ये चीज़ें आप नोट कर लीजिए यहाँ पे। पहले तो इसकी जो एब्रीविएशन है वो है WHO, इसे हम प्रोनाउंस करते हैं एज WHO नॉट एज हु। एंड सेकंड, इसका हेड क्वार्टर्स कहाँ पे है, जिनीवा स्विट्ज़रलैंड में है। जिनीवा जो इस जगह का नाम है और किस कंट्री में है वो है स्विट्ज़रलैंड। और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है, टेड्रोस एडहनोम, सो आई डोंट नो हाउ एग्जैक्टली इट इज प्रोनाउंस बट ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं, जो डायरेक्टर जनरल हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के। और इट वॉज फाउंडेड इन 1948, इट इज़ अ सिस्टर कंसर्न, आप कह सकते हैं कि सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस एंड इज अ पार्ट ऑफ द UNDP, दैट इज यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसका पार्ट है ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। सो क्वेश्चन में आंसर के साथ हमने ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आपके साथ शेयर कर लिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ और देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए और पढ़ के फिर यहाँ पे आप उसका आंसर करिए। यहाँ पे हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द कोच ऑफ द इंडियन मेन्स फुटबॉल टीम, भारतीय जो फुटबॉल टीम है
पुरुषों की जो टीम है उसके नए कोच अभी सिलेक्ट हुए हैं और ये बस अभी लास्ट इस वीक की ही इन्फॉर्मेशन है। तो अगर आपने न्यूज़पेपर में स्पोर्ट्स कॉलम फॉलो किया होता तो आपको पता होता कि कौन है नए कोच इंडियन मेंस फुटबॉल टीम के। तो यहाँ पर चार आंसर ऑप्शंस आपके सामने हैं, अगर आपको पता हो तो आप वो आंसर पोस्ट करिए जिससे हमें भी ये मालूम चल जाए कि आपको इसके बारे में जानकारी है, और अगर जानकारी नहीं है तो आप इसे नोट कर लें और कि क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे, द न्यू कोच ऑफ इंडियन मेंस फुटबॉल टीम, और आंसर इसका है इगोर स्टीमैक। तो इगोर स्टीमैक इज द न्यू कोच ऑफ द इंडियन फुटबॉल टीम। और यहाँ पे मैंने क्या किया है कि आपके लिए एक और लिस्ट तैयार की है, जो तीन मेन स्पोर्ट्स है इंडिया में, एक क्रिकेट हो गया, एक फुटबॉल, एक हॉकी, तो वहाँ पे जो हमारे डिफरेंट कोचेज हैं बोथ फॉर मेन एंड वेमेन, सो वी शुड बी अवेयर ऑफ बोथ मेन एंड वेमेन, नॉट जस्ट अबाउट मेन्स क्रिकेट एंड मेन्स हॉकी टीम एंड मेन्स फुटबॉल टीम, बट बोथ। सो लेट्स सी हियर, क्रिकेट में जो कोच हमारे जो हेड कोच है वो है रवि शास्त्री, क्योंकि हमारे पास फील्डिंग कोच भी हैं, और तो हेड कोच मतलब जो सबसे ऊँचे पोजिशन पर जो कोच है वहाँ पर वो रवि शास्त्री हैं। और क्रिकेट में विमेन के जो कोच है हिज नेम इज़ डब्ल्यू वी रमन, सो कैन नोट डाउन दीज थिंग्स। हॉकी में जो कोच हैं इज ग्राहम रीड, एंड हॉकी में विमेन कोच इज जोएड मारीन, एंड फुटबॉल मेन्स कोच इज इगोर स्टीमैक, एंड फुटबॉल विमेन कोच इज मेमोल रॉकी। तो ये जो छह नाम यहाँ पे हमने दिए हैं आपको, ये भी एक स्टैटिक जीके के पार्ट हो सकते हैं, करंट अफेयर्स का पार्ट हो सकते हैं, तो वी शुड बी फेमिलियर विथ ऑल ऑफ दीज थिंग्स। सो जो भी ये क्वेश्चन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन था वो भी मैंने आपके साथ शेयर कर लिया। अब हम चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ आज के, और देखते हैं कि ये क्वेश्चन किस बारे में है। तो ये टेक्नोलॉजी पे बेस्ड क्वेश्चन है, यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। विच कंपनी हैज़ रिसेंटली लॉन्च द वर्ल्ड्स हाइएस्ट रिजोल्यूशन इमेज सेंसर फॉर मोबाइल फोन्स, या स्मार्टफोन्स कह सकते हैं आप। तो किस कंपनी ने लॉन्च किया है हाइएस्ट रिजोल्यूशन इमेज सेंसर, सबसे ज़्यादा रिजोल्यूशन में इमेज ले सकता है ये सेंसर, जो किस कंपनी ने लॉन्च किया है। यहाँ पे चार ऑप्शन आपके सामने हैं, एप्पल, सैमसंग एंड HTC। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, सो डिड यू रीड अबाउट दिस, बिकॉज अगर आप टेक्नोलॉजी एंड ट्रेंड्स जो सेक्शन होता है न्यूज़पेपर का, अगर उसे आप फॉलो करेंगे तो आपको ये अच्छे से पता चलेगा कि ये आंसर कौन सा है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सैमसंग। सैमसंग इज दैट कंपनी विच हैज लॉन्च द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रिजोल्यूशन इमेज सेंसर जो है वो सैमसंग ने लॉन्च किया है, और ये जो सेंसर है उसका जो रिजोल्यूशन है वो है 64 मेगापिक्सल का रिजोल्यूशन है इस पर्टिकुलर सेंसर में, जो कि काफ़ी ज़्यादा है एक स्मार्टफोन के हिसाब से अगर देखा जाए, तो ये बहुत ही ज़्यादा फाइन इमेजेस ले सकता है, हाई रिजोल्यूशन इमेज ले सकता है ये पर्टिकुलर सेंसर। ठीक है, सो ये आंसर हो गया, टेक्नोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन था ये रिगार्डिंग द रिजोल्यूशन ऑफ इमेज सेंसर। राइट आंसर इज सैमसंग, एंड सैमसंग इज अ साउथ कोरियन कंपनी। अगर आपको ये जानकारी चाहिए तो आप ये देख सकते हैं कि सैमसंग इज अ साउथ कोरियन टेक्नोलॉजी जायंट विच हैज लॉन्च दिस पर्टिकुलर सेंसर विच हैज 64 मेगापिक्सल ऑफ रिजोल्यूशन। And now let's go to the next question for today. Fourth question यहाँ पे क्या है? Which country has recently passed a law that criminalizes publication of fake news? जो हम usually हम बात करते हैं, आप देखोगे Facebook में भी इसके बारे में बात होती है, और काफ़ी सारे news channels में debates हो चुका है इसके बारे में कि fake news का जो problem है, the menace of fake news, the problem of fake news. Which many different countries are grappling with, and world over leaders have spoken about the dangers of fake news and how it can lead to different problems in the society. इसीलिए जब भी कहीं पर कुछ major incident होता है तो वहाँ पर Facebook, Twitter और इस तरह के जो social networking sites हैं या internet को ही रोक दिया जाता है ताकि लोग जो है fake news circulate ना कर पाए। तो इस problem से बचने के लिए और इस problem को completely solve करने के लिए एक country ने एक law ही pass किया है जो फेक न्यूज़ को एक क्रिमिनल ऑफेंस बना देती है। यहाँ पे क्वेश्चन वही है कि किस कंट्री ने ये लॉ पास किया, विच कंट्री हैज़ पास्ड अ लॉ दैट क्रिमिनलाइजेस फेक न्यूज़। क्रिमिनलाइजेस मतलब कि वो फेक न्यूज़ के को एक क्रिमिनल ऑफेंस बना देती है। ठीक है, एक सिविल ऑफेंस नहीं है, एक क्रिमिनल ऑफेंस है, तो जहाँ पेनल्टी भी ज़्यादा होगी और पनिशमेंट होगा और सीवियर होगा वो केस अगर बन जाता है। तो
ठीक है, तो आंसर क्या है? यहाँ पे चार ऑप्शंस है, यहाँ पे एक है चाइना, एक है साउथ कोरिया, एक सिंगापुर और एक अमेरिका। तो ये आंसर यहाँ पे है सिंगापुर। सिंगापुर इज दैट कंट्री विच हैज मेड इट अ क्रिमिनल ऑफेंस टू पब्लिश फेक न्यूज। एनी मीडिया आउटलेट, एनी ऑनलाइन पोर्टल, एनी पर्सन हु इज सर्कुलेटिंग फेक न्यूज कैन ब्लॉक्ड बाय द गवर्नमेंट एंड प्रॉपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग कैन बी स्टार्टेड अगेंस्ट दैट पर्सन। जहाँ पे जो मैक्सिमम पेनल्टी है, मैक्सिमम पनिशमेंट है, वो अप टू 10 years इन प्रिजन है। 10 साल तक का जेल हो सकता है अगर आप साबित हो जाए कि आप फेक न्यूज़ सर्कुलेट कर रहे थे। काफ़ी लोगों ने इसे पसंद भी किया है और काफ़ी लोगों ने इसे क्रिटिसाइज भी किया है, क्योंकि इससे जो है सरकार को, गवर्नमेंट को कंप्लीट कंट्रोल मिल जाता है। बिकॉज गवर्नमेंट इज गोइंग टू बी द अल्टीमेट बॉडी विच इज गोइंग टू डिसाइड वॉट इज फेक न्यूज़ एंड वॉट इज नॉट, एंड देन व्हेनेवर सच थिंग्स हैपन गवर्नमेंट कैन यूटिलाइज इट as a mechanism to control information, and that can lead to hampering of the right of expression and basic human right. So yahan pe answer ho gaya Singapore. Ab hum dekhte hain question number 5 ka answer kya hai. What is question number 5 about? Question number 5 jo hai wo hai defense based question. Har week hum defense based questions dekhte hain aur ye important hai. Exam mein 2 se 3 डिफेंस बेस्ड क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। करंट अफेयर्स बेस्ड एक काफ़ी कॉमन और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये डिफेंस। सो व्हाट आर द नेम्स ऑफ द टू इंडियन नेवी शिप्स दैट पार्टिसिपेटेड इन द 4-country जॉइंट नेवल एक्सरसाइज इन द साउथ चाइना सी। तो चार देशों के बीच में एक जॉइंट एक्सरसाइज हुआ था, जिसमें एक इंडिया है, एक अमेरिका है, एक जापान है, एक साउथ कोरिया है। तो जो चार देश हैं वो उनका नाम भी आपको मैं बता दूँ, इंडिया, USA, जापान एंड साउथ कोरिया। इन चार देशों ने मिलकर एक जॉइंट नेवल एक्सरसाइज किया था। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, जॉइंट नेवल एक्सरसाइज कंट्रीज आपस में करते हैं फॉर बेटर कोऑर्डिनेशन, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड फॉर म्यूचुअल कोऑपरेशन बिटवीन द कंट्रीज टू हैव फ्रेंडली रिलेशंस ऑल्सो। तो उनके बीच में जो संबंध है उनको बेटर करने के लिए कंट्रीज ऐसा करते हैं, और ग्लोबली एक मैसेज भेजने के लिए कि हम साथ में हैं और एक साथ काम कर रहे हैं। तो जापान, साउथ कोरिया अगर देखा जाए तो चाइना के ऑपोजिट में है, तो अगर इंडिया भी जुड़ जाए तो वो एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट भेजता है चाइना के खिलाफ कि हम यहाँ पे एक प्रोमिनेंट रोल प्ले करते हैं साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी एक ऐसा पार्ट है वर्ल्ड का जहाँ पे चाइना अपनी प्रभुत्व को, अपनी डोमिनेंस को हमेशा असर्ट करती है। तो वो एक पार्ट हो गया यहाँ पे कि क्यों होता है जॉइंट नेवल एक्सरसाइज। और वहाँ पे इंडिया से 2 नेवल शिप्स गई थी, वो कौन सी थी? और यहाँ पे ऑप्शंस आपके सामने चार है। INS कोलकाता, INS जो यहाँ बार बार आप देख रहे हो हर आप ऑप्शन में, उस INS का बेसिक मीनिंग होता है इंडियन नेवल शिप। सो INS कोलकाता, INS शक्ति, INS शक्ति एंड INS विराट, INS तलवार एंड INS शिवालिक। ठीक है, तो कौन सी वो 2 ships थी जो कि यहाँ पे गई थी? अगर आप देखोगे INS विराट तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि INS विराट जो है वो डीकमीशन हो चुका है। ठीक है, अभी काफ़ी न्यूज़ में भी था INS विराट बिकॉज ऑफ सर्टेन पॉइंट्स मेड बाय मोदी जी रिगार्डिंग राजीव गांधी यूजिंग INS विराट फॉर नॉन ऑफिशियल पर्पसेस। और INS विराट के बारे में अगर आपने जानकारी हासिल की होती तो आपको पता होता कि ये जो है INS विराट इंडिया की एयरक्राफ्ट कैरियर थी जो कि डीकमीशन हो चुकी है। तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। करेक्ट आंसर इसका है INS कोलकाता एंड INS शक्ति। INS कोलकाता जो है वो एक डिस्ट्रॉयर शिप है जिसको क्लासीफाई किया जाए। इंडिया की नेवी काफ़ी सारे शिप्स इंडियन नेवी में, तो उसमें अलग अलग क्लासिफिकेशन है शिप्स की, जैसे कि न्यूक्लियर सबमरीन है इंडिया के पास, और एंटी और एयरक्राफ्ट कैरियर्स हमारे पास एक है, और हमारे पास डिस्ट्रॉयर्स हैं, फ्रिगेट्स हैं एंड रिप्लेनिशमेंट शिप्स हैं। तो INS शक्ति जो है वो एक रिप्लेनिशमेंट शिप है, और INS कोलकाता जो है वो एक डिस्ट्रॉयर है, मतलब एक फास्ट मूविंग शिप है जो कि बैटल में काफ़ी काम आती है। तो यहाँ पे मैं आपके साथ एक लिस्ट शेयर करना चाहता हूँ 2 चीज़ों के बारे में जो आपको पता होना चाहिए। एक तो है हमारे पास 2 न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं, उनके नाम क्या हैं और बेसिक आइडिया उनके बारे में आपको होना चाहिए। इट्स इम्पॉर्टेंट, क्योंकि वैसे तो बहुत सारे शिप्स हैं, आप सबके बारे में आपके पास जानकारी नहीं हो सकती है। और एयरक्राफ्ट कैरियर हमारे पास सिर्फ एक है, तो ये इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करता हूँ आपके साथ यहाँ पर। तो हमारा जो पहला जो कम्प्लीटली इंडिजिनस न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है वो है INS अरिहंत। ठीक है, बिल्ट इन इंडिया, कम्प्लीटली एन इंडियन सबमरीन। और INS चक्रा 2, जिसको INS चक्रा भी कहते हैं, चक्रा 2 इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि INS चक्रा जो थी, जो पहली हमारी एक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन थी, वो
पहले डीकमीशन हो चुकी है, ये दूसरी वाली है, तो आई एन एस चक्रा 2 है ये, जो इंडिया ने लीज पे लिया है रशिया से। लीज मतलब जैसे हम घर लीज पे लेते हैं और शॉप्स लीज पे लेते हैं, उसी तरह से इंडिया ने लीज पे लिया है रशिया से 10 साल के लिए, और इस लीज का अमाउंट है $1 बिलियन, जो कि काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है, और 10 साल के लीज पे लिया है 2012 से लेकर 2022 तक, और ये जो 2022 और प्लस 3 साल का एक्सटेंशन होगा उसके बाद, तो 2025 में इसका लीज कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा और ये शिप जो है वो डीकमीशन हो जाएगी एक तरह से, क्योंकि नॉर्मली रशिया हमारे साथ वही शिप्स बेचता है जो कि वो खुद डीकमीशन कर चुका होता है। तो अभी जो हम नया शिप लेंगे, जो नया न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन फिर 2025 में इंडक्ट किया जाएगा, उसका नाम है INS चक्रा 3, और ये इंडक्ट किया जाएगा 2025 में 10 साल के लिए। ये जो अग्रीमेंट है अभी मार्च में ही साइन किया गया था, तो काफ़ी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है ये। $3 बिलियन का अग्रीमेंट है इंडिया और रशिया के बीच में, और ये साइन किया गया था मार्च 2019 में, और इसको इंडक्ट किया जाएगा 2025 में। 10 साल का लीज अग्रीमेंट है एक शिप का और इस न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन का, और इसे हम कहते हैं INS चक्रा 3। तो दैट इज एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ये अभी हमारे पास है नहीं, ये बाद में आ जाएगा जब चक्रा 2 को हम डीकमीशन कर देंगे। और जो इंडिया की एकमात्र एयरक्राफ्ट कैरियर है अभी, क्योंकि INS विराट एक एयरक्राफ्ट कैरियर था और वो अभी डीकमीशन हो चुका है, उसके पहले हमारे पास एक और एयरक्राफ्ट कैरियर था, हमारे पास एकमात्र एयरक्राफ्ट कैरियर है वो है INS विक्रमादित्य। ये भी मॉडिफाइड क्यू क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर, मतलब कि रशिया का ये कैरियर है INS विक्रमादित्य, विच वॉज कमीशन्ड इन रशिया इन द ईयर 1987 एंड इट वॉज डी कमीशन बाई रशिया इन द ईयर 1996। फिर वहाँ पे फिर रशिया ने इंडिया से भेज दिया, इसे मॉडिफाई किया, और इसे टेस्ट रन करने के बाद फाइनली 2014 में इंडियन नेवी में इंडक्ट किया गया। ठीक है, इसका पहला टेस्ट रन जो था वो बाल्टिक सी में 2013 में हुआ था, व्हेन मनमोहन सिंह वाज़ द प्राइम मिनिस्टर एंड आवर डिफेंस मिनिस्टर हैड गॉन देयर टू सी द टेस्ट रन ऑफ INS विक्रमादित्य, एंड बिफोर दैट इन 2012 दिस एंटायर डील वाज डन। तो ये है INS विक्रमादित्य के बारे में, तो ये दो चीज़ें आपके साथ मैं बताना चाहता था हमारे नेवी के बारे में, एक है न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स के बारे में, दो हमारे पास हैं, और एक हमारा जो एयरक्राफ्ट कैरियर है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के पास। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो कि है एम वेंकैया नायडू, कमेंस हिज 4-डे ऑफिशियल विजिट टू विच कंट्री ऑन 9th May 2019। ठीक है, दो दिन पहले इनका ट्रिप हुआ चालू हुआ था, 4 दिन का ट्रिप है ये, और हमारे वाइस प्रेसिडेंट जा रहे हैं, किस कंट्री को जा रहे हैं, यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं आपके सामने। सो आर यू फेमिलियर विद द राइट आंसर हियर, विच वॉट इज द आंसर। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एम वेंकैया नायडू कमेंस हिज 4-डे विजिट to which country on 9th May 2019? Is it Vietnam or Thailand or Indonesia or Malaysia? The right answer is Vietnam. So Vietnam is that country to which our vice president is going on a 4-day official trip for diplomatic relations between India and Vietnam. So this is your answer for question number 6, and you can note it down. And let's see, go to question number 7 and see what is there in this question. So read the question carefully. This is again an important question. Here, Dr. N. R. Madhava Menon, who passed away recently, was known for his significant contribution to which of the following fields in India? So, इस तरह के questions आते हैं, अगर कोई भी ऐसा प्रमुख व्यक्ति जो है अगर वो passed away हो जाता है और वो उसकी उसका कोई contribution है किसी particular field में, तो ऐसे questions होते हैं people in news के form में आते हैं एग्जाम में, काफ़ी कॉमन सा क्वेश्चन ये। तो डॉक्टर एन आर माधवा मेनन हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज फॉर विच फील्ड, मतलब उनका कंट्रीब्यूशन किस फील्ड में था, किस फील्ड के लिए उनको याद किया जाता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं आपके सामने, मेडिसिन है, आर्ट्स है, लॉ है एंड पॉलिटिक्स है। डॉक्टर एन आर माधवा मेनन, इज इट मेडिसिन, इज इट आंसर ऑप्शन ए और बी और सी और डी। इफ यू नो द आंसर यू कैन पोस्ट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन, लेट मी सी इफ यू हैव इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग डॉक्टर एन आर माधवा मेनन। ओके, नाउ लेट्स सी द राइट आंसर हियर, व्हाट इज द राइट आंसर, द राइट आंसर इज लॉ। एंड व्हाई इज ही इज अ पद्मश्री विनर, ही वाज अवार्डेड पद्मश्री बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड ही इज द वन हु फाउंडेड द नेशनल लॉ स्कूल्स। जो हम इंडिया में जगह जगह पर बात करते हैं, जो अलग अलग नेशनल लॉ स्कूल्स हैं, उसमें से एक है NLS, नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, जो कि बेंगलोर में है। इसका जो फाउंडर है वो है डॉक्टर एन आर माधवा मेनन। उसी के साथ में जो
National Law School जो जो National University है for Judicial Sciences NUJS और West Bengal University for Judicial Sciences का भी जो founder है वो भी यही Dr. N.R. माधवा मेनन है. He is also called the father of law. और यहाँ पे एक चीज़ और आपको पता होना चाहिए आपको कि काफ़ी इन्होंने एक नया टाइप का एक कोर्स को भी डिज़ाइन किया था, जैसे 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम ऑफ लॉ लाइक BA LLB BCom LLB एंड दिस कम्प्लीटली चेंज द वे लॉ वॉज स्टडीड इन इंडिया. सो दैट्स वाई ही इज़ रिमेंबर्ड एंड दैट इज़ वाई हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इज सो सिग्निफिकेंट इन दिस पर्टिकुलर फील्ड. ओके, तो ये हो गया आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7. नाउ लेट्स सी द प्रीवियस सेशन कॉन्टेस्ट क्वेश्चन. इंटरनेशनल डांस डे 2019 वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज. तो इसका आंसर क्या है, ये पिछले वीक मैंने पूछा था यहाँ पे. सही आंसर इसका है 29th April. यूजली वी आस्क क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इम्पॉर्टेंट डेज. हर वीक में जो भी इम्पॉर्टेंट डेज है वो उस वीक में हम लोग आपसे पूछते हैं. और ये एक कॉमन क्वेश्चन है एग्जाम में, एक से दो क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट डेज में से आ सकता है, किस दिन था और किस बारे में था, और थीम भी पूछ सकते हैं. तो ये था हमारा प्रीवियस सेशन का कॉन्टेस्ट क्वेश्चन. और अब हम चलते हैं आज के कॉन्टेस्ट क्वेश्चन के लिए जो आपके स्क्रीन पर अभी आएगा, और आपको मिलेंगे 60 सेकंड्स उस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए. सो हियर कम्स द कॉन्टेस्ट क्वेश्चन फॉर स्टूडेंट्स ऑन द स्क्रीन. यू कैन विल सी द क्वेश्चन एंड विल पोस्ट द आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन. हियर द क्वेश्चन फॉर यू. व्हाट इज द थीम ऑफ द 2019 एडिशन ऑफ वर्ल्ड रेड क्रॉस डे WRCD. फोर आंसर ऑप्शंस हियर. And look at the question, look at the answer options, and if you have the answer for this question, post the answer in the comment section. Up by now you should have gone through the question and you could have posted the answer by now. It's a very simple question. यहाँ पे कुछ सॉल्व तो करना नहीं है. अगर आपको पता है कि आंसर क्या है तो आप पोस्ट कर सकते हैं. अभी तक आपको पोस्ट करना चाहिए था. इसका आंसर जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा हमारे नेक्स्ट जीके सेशन के वीडियो में, जो कि होगा नेक्स्ट सैटरडे 7 o'clock. ऑलराइट, सो स्टूडेंट्स अभी हम क्या करेंगे कि हम देखते हैं हमारे बाकी के क्वेश्चन आज के लिए कौन से हैं. सो लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 8. Who is the newly appointed Prime Minister of Mali? So, जितने भी नए appointments होते हैं वो exam में as an important question आ सकते हैं. तो weekly हम आपके लिए cover करते हैं जो भी new appointments है, whether it's Prime Minister or President or any other important designatory in India or abroad. So, who is the newly appointed Prime Minister of Mali? Four answer options are there in front of you. If you know the answer of this question, you can post the answer in the comment section. Is it A or B or C or D? If you don't know, you can note down new Prime Minister of Mali and then take down the answer for this question. So the right answer for this question is Boubou Cisse. So if we I don't know exactly how it's pronounced, lekin aap yahan pe dekh sakte hain, Boubou Cisse is the name of the new Prime Minister of Mali. Mali is a country that is in Africa. It's an African country. So, जो भी नए appointments हो रहे हैं, चाहे वो किसी भी part में हो world में, आपको पता होना चाहिए. और आपकी overall world geography अच्छी होनी चाहिए, खास के अगर आप दे रहे हो railway examination या फिर SSC या defense examination. For giving these examination, or if you're taking other exams for MBA like SNAP or CLAT and these kind of examinations, wherever static GK comes, जहाँ पे स्टैटिक जीके आता है, ज्योग्राफी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, वहाँ पे ज्योग्राफी में आपसे कैपिटल पूछा जा सकता है, आपसे करेंसी पूछी जा सकती है, लैंग्वेज भी पूछा जा सकता है उस पर्टिकुलर एरिया का. ठीक है, जैसे कि माली का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, वो है फ्रेंच और वहाँ की करेंसी है फ्रैंक. ऑलराइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 8 वी हैव सीन. लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 9. व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियन नेवी वॉरशिप दैट वॉज डी कमीशनड ऑन 6 May 2019. सो एक और डिफेंस बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे है. डी कमीशन का मतलब है आप उसको उसका उसे इस्तेमाल नहीं किया जाएगा. इट नॉट बी यूज, स्टॉप फ्रॉम सर्विस और रिमूव फ्रॉम सर्विस, डी कमीशन. सो व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियन नेवी वॉरशिप दैट वॉज डी कमीशन ऑन 6 May 2019. देयर आर फोर आंसर ऑप्शन हियर. INS रणवीर, रणविजय, राणा एंड रणजीत. सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज INS रणजीत.
ये जो आई एन एस रंजीत है और जैसे आई एन एस रणवीर रणविजय राणा है और आई एन एस राजपूत, इसे ये पांच नाम आप देखें यहाँ पे, रणवीर रणविजय राणा रंजीत एंड राजपूत, ऑल ऑफ देम आर इंडियन नेवल वॉरशिप, दे आर कॉल्ड एज राजपूत क्लास वॉरशिप, और इनके सारे नाम जो है राजपूत वॉरियर्स या राजपूत बेस्ड नाम्स हैं, जैसे रणवीर रणविजय राणा राजपूत, और उनमें से एक है आई एन एस रंजीत जिसे अभी डिकमीशन किया गया है 6 May 2019 को. सो दैट्स हाउ दिस क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू. अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. हु हैज बीन सोन इन एज अ न्यू चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट. तो छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट है, उसके जो नए चीफ जस्टिस है कौन है. हु हैज सोन इन एज द न्यू चीफ जस्टिस. सो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अगेन बिकम्स अ रेलेवेंट क्वेश्चन फॉर यू इन द एग्जामिनेशन. और अगर ये क्वेश्चन आपने न्यूज़पेपर हेडलाइंस देखा होता, फ्रंट पेज पढ़े होते न्यूज़पेपर्स के, तो आपने देखा होता कि ये इन्फॉर्मेशन वहाँ पे था. तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बी, पी आर रामचंद्र मेनन. तो पी आर रामचंद्र मेनन इज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट. हाई कोर्ट्स के बारे में एक और जानकारी आपको ये मिलनी चाहिए कि इंडिया में टोटल 25 हाई कोर्ट्स हैं. कितने हैं? 25 हाई कोर्ट्स हैं, ऑलमोस्ट हर स्टेट में एक हाई कोर्ट है. तो ऐसे याद करने से अच्छा है ये याद आप कर सकते हैं कि किस किस स्टेट में हाई कोर्ट नहीं है. ठीक है, अगर आपको ये मालूम हो जाए कि किस किस स्टेट में हाई कोर्ट नहीं है, ऑटोमेटिकली आपको ये मालूम हो जाएगा कि बाकी सारे स्टेट्स में हाई कोर्ट है. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हाई कोर्ट जो है वो नागालैंड में नहीं है. तो अगर हम नॉर्थ ईस्ट में जाएँ, पहले 2013 के पहले नॉर्थ ईस्ट में सिर्फ एक ही हाई कोर्ट था, वो था हाई कोर्ट ऑफ गुवाहाटी. 2013 में तीन और हाई कोर्ट्स आए वहाँ पे, उसके बाद वहाँ पे हाई कोर्ट्स की संख्या बढ़ गई. अभी हम वहाँ पे देखते हैं कि नागालैंड में और अरुणाचल प्रदेश में हाई कोर्ट नहीं है. द टू स्टेट्स इन द नॉर्थ ईस्ट अरुणाचल प्रदेश, ओके, जहाँ पे हाई कोर्ट नहीं है. एक तो ये हो गया, एक है गोवा जहाँ पे हाई कोर्ट नहीं है, और दूसरा है स्पेशल स्टेट ऑफ दिल्ली जहाँ पे भी हाई कोर्ट नहीं है. तो दीज आर द स्टेट्स इन इंडिया विच डू नॉट हैव हाई कोर्ट. तो ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो गया रिगार्डिंग हाई कोर्ट्स. एंड एनी हाउ द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ द छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट इज एन पी आर रामचंद्र मेनन. नेक्स्ट गो टू क्वेश्चन नंबर 11. गेम चेंजर इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिकेटर्स. तो अगेन एक स्पोर्ट्स बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए, और ये है बुक बेस्ड क्वेश्चन भी, बुक्स एंड ऑथर्स. तो जब भी कोई फेमस पर्सनालिटी की कोई बुक रिलीज होती है उस साल के जीके एग्जामिनेशंस में, वो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है. वैसे तो बुक्स एंड ऑथर्स बहुत सारे हैं, आप ऐतिहासिक टाइम से अभी तक लेके कितने सारे बुक्स हैं, उन सबके ऑथर्स आपको याद रखना तो है एक पार्ट मुश्किल है. लेकिन जो इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं, जो पॉलिटिशियंस, स्पोर्ट्स पर्सनस, फिल्म स्टार्स, यू नो, व्हेन दे रिलीज अ बुक, पर्टिकुलरली दे रिलीज देयर ऑटोबायोग्राफी, इट बिकम्स एन इम्पॉर्टेंट बुक फॉर यू. एनीहाउ, इसके इस बुक के बारे में काफ़ी चर्चा हुई थी अलग अलग कारणों से, ज़्यादातर बुरे कारणों से, और रिगार्डिंग जोक ऑन द बुक अबाउट फ्यू थिंग्स. सो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट दिस, हु इज द ऑथर ऑफ दिस बुक, हुज ऑटोबायोग्राफी इज गेम चेंजर. द राइट आंसर फॉर दिस इज शाहिद आफरीदी. शाहिद आफरीदी की ऑटोबायोग्राफी है, उसका नाम है गेम चेंजर. और इसके बारे में जो कंट्रोवर्सी हुई थी या जो चर्चा हुआ था डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में, वो शाहिद अफरीदी के एज के बारे में था. अकॉर्डिंग टू सम स्टेटमेंट्स मेड इन हिज ऑटोबायोग्राफी, हिज एज एट द टाइम व्हेन ही स्टार्टेड हिज क्रिकेट करियर वाज 21, वेयर एज अर्ली इट वाज प्रोफेस्ड बाय हिम एज वेल एज द पाकिस्तान क्रिकेट टीम दैट हिज एज एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग हिज करियर वाज 17. तो ऐसे काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स हैं, जैसे यंगेस्ट पर्सन टू स्कोर सेंचुरी एंड ऑल दैट, दोज रिकॉर्ड्स विल बिकम रॉन्ग इफ यू गो बाय द इंफॉर्मेशन दैट वी हैव इन दिस बुक कॉल्ड एज गेम चेंजर. सो गेम चेंजर शाहिद आफरीदी, जो पाकिस्तान के एक प्लेयर थे, रिटायर्ड प्लेयर थे, हैं, और उनके उनकी ऑटोबायोग्राफी है गेम चेंजर. अब हम देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 क्या है हमारा. एक सेकंड, हम जरा सा देखते हैं यहाँ पे, लेट्स गो टू आवर, हम 11th वी हैव सीन. सो जस्ट लेट्स, ओके फाइन, लगता है मैंने कुछ गलत यहाँ पे की प्रेस कर दिया. लेट्स लुक एट क्वेश्चन 12. हु वाज रिसेंटली कन्फर्ड विद द वी के कृष्णा मेनन अवार्ड. तो ये वी के कृष्णा मेनन अवार्ड जो है ये दिया जाता है यूजली हर साल, कभी कभी स्किप भी हुआ है अगर आप चेक करोगे तो, टू डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ बिलोंगिंग फ्रॉम द फील्ड ऑफ एजुकेशन, जर्नलिज्म,
साइंस एंड डिफरेंट अदर रेलिवेंट फील्ड. सो वी के कृष्णा मेनन अवार्ड दिया जाता है. और यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि हु वॉज रिसेंटली, मतलब कि 2019 की बात हो रही है, 2019 वी के कृष्णा मेनन अवार्ड किसे दिया गया. तो राइट आंसर इज जी डी रॉबर्ट गोविंदर. जी डी रॉबर्ट गोविंदर इज अ पर्सन हु वॉज गिवन दी वी के कृष्णा मेनन अवार्ड इन द ईयर 2019. वी के कृष्णा मेनन के बारे में अगर आपको कुछ पता करना हो तो ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट व्यक्ति है जो कि इंडिया के पॉलिटिक्स में काफ़ी रोल प्ले किया है इन्होंने. और ही वॉज द फर्स्ट हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू ब्रिटेन, दैट्स वन थिंग. देन ही केम बैक टू इंडिया इन 1952. In 1952 he was a high commissioner, then he came back to India, and then he joined the parliament as a Raj Sabha member, then he became a Lok Sabha member, and then he's done a lot of things in India in terms of India's foreign policy. So in his memory this award is given, V.K. Krishna Menon Award. And a lot of other achievements and contribution of V.K. Krishna Menon in regarding the controversy of Kashmir and the international point of view that was there prevalent when India became independent regarding the Kashmir issue. तो उसमें काफ़ी काम किया था इन्होंने और इसलिए इनके मरणोपरांत 1974 ही डाइड. एंड आफ्टर दैट ही अवार्ड वॉज क्रिएटेड इन हिज नेम, वी के कृष्णा मेनन अवार्ड. तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन था रिगार्डिंग वी के कृष्णा मेनन. एंड 13th हम यहाँ देखते हैं IIT से क्वेश्चन है. इंडियन इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी Which IIT has tied up with e-governance services India Limited? किस साथ टाई अप किया है? e-governance services India Limited to upscale उन्नत भारत अभियान. दो चीज़ें यहाँ पे हैं. Which IIT has tied up with e-governance services India Limited for what purpose? To upscale, to improve and expand the scope of the उन्नत भारत अभियान. सबसे पहले हम यहाँ पे आंसर नोट कर लेंगे कि इसका आंसर है IIT कानपुर. अब हम यहाँ पे देखेंगे कि उन्नत भारत अभियान क्या है. उन्नत भारत अभियान इज अ फ्लैगशिप प्रोजेक्ट ऑफ द HRD मिनिस्ट्री एंड इट एम्स एट टेकिंग और यूजिंग टेक्नोलॉजी टू क्रिएट अ न्यू प्लेटफॉर्म इन द रूरल एरियाज ऑफ इंडिया. सो क्रिएट एम्प्लॉयमेंट एंड क्रिएट अदर सच फैसिलिटीज इन रूरल एरियाज टू मेक देम इंडिपेंडेंट in line with the vision of Mahatma Gandhi. He wanted every village to be independent of the others around it and to be self-sufficient. तो उसके बारे में जो ये जो अभियान है उसे कहते हैं उन्नत भारत अभियान. इट इज़ अ प्रोजेक्ट अंडर द फ्लैगशिप ऑफ यू कैन से IIT दिल्ली. बट यहाँ पर क्वेश्चन था कि विच IIT has tied up with e-governance services India Limited. So for that the answer would be IIT Kanpur. Now next question again from IIT. The researchers from which IIT have developed the first made in India microprocessor chip. जैसे हम दूसरे देशों से बना हुआ जो microprocessor chip है वो काफ़ी हमने यूज़ किया, Intel है, AMD है. So now अभी इंडिया में अपना एक microprocessor chip बना है which has been developed by IIT. So it's completely made in India, completely designed and developed in India. So which IIT has developed this entirely Indian microprocessor chip? So the right answer students for this question is IIT Bombay. और अभी यहाँ पे एक और जो information मैं आपके साथ share करता हूँ वो ये है कि इस microprocessor chip का नाम क्या है. So this name of this microprocessor chip is Ajit. और ये Ajit जो है ये कोई acronym नहीं है, ये किसका कुछ full form नहीं है. अजित सिंपली इनके जो मेंटर है, जो प्रोफेसर अजित थे जिन्होंने जो कम्प्लीटली प्रोग्राम को मेंटरशिप कर रहे थे उनको डेडिकेट करते हुए नाम दिया गया है इस माइक्रो प्रोसेसर चिप का अजित. एंड डेवलप्ड बाय IIT बॉम्बे, द नेम ऑफ द चिप इज अजित एंड वी आर इंडिया इज प्लानिंग टू यूज इट फॉर द सैटेलाइट एंड अदर सच काइंड ऑफ एडवांस रिसर्च पर्पज. ओके ऑलराइट, दैट्स स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 14 फॉर यू. और अभी चूंकि हम IIT से दो क्वेश्चन देख चुके हैं, एक और क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे IIT से. Researchers of which IIT have developed a robot called Endobot. The name of the robot is Endobot. Researchers of which IIT have developed a robot called Endobot that can check pipelines for leakage. ये भी काफ़ी सारे newspapers में था, important space दिया गया था इस news को, क्योंकि India में water crisis है और काफ़ी सारा जो water है वो loss होता है through leakage and cracks in the pipeline and obstructions in the pipeline.
तो ये जो एक रोबोट डेवलप किया गया है वो जो पाइपलाइन में जाएगा और वो वहाँ पे पता कर पाएगा कि लीकेज कहाँ पे है, क्रैक कहाँ पे है, फॉल्ट कहाँ पे है. सो विच IIT हैज़ डेवलप्ड दिस रोबोट? द करेक्ट आंसर इज IIT मद्रास. सो IIT पे बेस्ड तीन क्वेश्चन थे आज के इस पर्टिकुलर सेशन में और ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में. इसमें कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है और अजित वाला क्वेश्चन, जो कि माइक्रो प्रोसेस चिप वाला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस साल के एग्जामिनेशन के लिए. IIT बॉम्बे हैज़ द वन जो डेवलप द माइक्रो प्रोसेस चिप एंड IIT मद्रास इज द वन विच मेड द रोबोट. नेम ऑफ द रोबोट कैन ऑल्सो कम, नेम ऑफ द रोबोट इज एंडोबोट. सो स्टूडेंट्स दैट इज ऑल फॉर टुडेज सेशन. आज हमने देखा कि जो वीक फ्रॉम 4th May to 10th May व्हाट एवर इंपॉर्टेंट इवेंट्स था वो हमने आज जीके में एक क्विज के फॉर्म में कवर किया. हर सैटरडे को 7 o'clock हम एक क्लास करते हैं जीके में. तो अगर आपको जीके की तैयारी अपनी स्ट्रीम लाइन करनी है और अच्छे से एक समराइज फॉर्म में हर वीक का आपको एक क्रक्स चाहिए तो आप ये क्लास मिस मत करिए. आप कोई भी एग्जामिनेशन ले रहे हो, चाहे वो रेलवे हो, बैंकिंग एंट्रेंस हो या कोई भी दूसरा कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन हो जहाँ पे जीके एक इंपॉर्टेंट पेपर है, वहाँ पे ये क्लास जो है जो वीकली हर वीक सैटरडे को 7 o'clock होता है इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल. एक और इन्फॉर्मेशन जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ ये है कि SSC CGL टायर 1 के पेपर जो है वो हमारे ऑनलाइन हो चुके हैं HashLearn के ऐप में. और साथ में रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के जो नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी RRB NTPC के फुल लेंथ टेस्ट हैव ऑल्सो गॉन लाइव ऑन आवर HashLearn ऐप. सो इफ यू आर HashLearn ऐप यूजर यू कैन टेक दोज टेस्ट इफ यू हैव पासपोर्ट एक्सेस. सो यू कैन परचेज अ पासपोर्ट एक्सेस विच गिव यू एक्सेस टू ऑल ऑफ द फुल लेंथ टेस्ट that happen throughout the year. If you have not downloaded our app, please download our app and you can then take passport access to take the full length test. So which you get also access to all our previous videos, you get access to all the sectional tests that we have in the app and also a lot of other bonus content. Also if you are watching our videos and you find them useful, please like our videos and subscribe to our channel. You can also share our videos with your friends to let them also know about whatever we are doing, because we believe that this is going to change the way students prepare for competitive examinations. So thank you for joining with us and I'll see you in my next video.